देश के सर्वोच्च न्यायालय को एक महिला जज के तौर पर पहली बार गौरवान्वित करने वाली फातिमा बीबी अब इस दुनिया में नहीं रहीं। फातिमा बीबी सुप्रीम कोर्ट की पहली महिला जज थीं। उन्होंने 96 वर्ष की आयु में दुनिया को अलविदा कह दिया। ये पिछले कुछ दिनों से बीमार चल रही थीं, जिसके बाद इन्हें अस्पताल में भर्ती करवाया गया था, लेकिन कई बीमारियों और वृद्धावस्था के कारण इन्होंने आखिरकार अपनी अंतिम सांस ली। सुप्रीम कोर्ट की पहली महिला जज फातिमा बीबी के निधन के बाद पार्थिव शरीर को उनके पैतृक आवास केरल के पतनमथिट्टा में लाया गया। इनके निधन से परिवार शोक में डूबा हुआ है। ये देश की महिलाओं के लिए किसी प्रेरणा से कम नहीं थी। ये न्याय के क्षेत्र में अपने ऊंचे मकाम की वजह से खूब चर्चाओं में रहीं, जबकि इनके कई फैसले भी चर्चाओं में रहे थे। फातिमा बीबी को सुप्रीम कोर्ट की पहली महिला जज के तौर पर 1988 में नियुक्त किया गया था, जबकि ये 1992 तक इस पद पर बनी रहीं। फातिमा बीबी मूल रूप से केरल की रहने वाली थीं। इनका जन्म केरल के पतनमथिट्टा जिले में अप्रैल 1927 में हुआ था। इनकी शुरुआती शिक्षा पास के ही कैथोलिकेट हाई स्कूल में हुई थी, जिसके बाद इन्होंने तिरुवनंतपुरम के यूनिवर्सिटी कॉलेज से बीएससी की डिग्री हासिल की। ये पढ़ाई लिखाई में बहुत मेधावी थी। उस दौर में जब महिलाओं का ज्यादा पढ़ा लिखा होना आम बात नहीं थी, उस दौर में भी फातिमा बीबी ने समाज के उलाहनों की परवाह किए बिना अपनी उड़ान जारी रखी। कॉलेज से पढ़ाई पूरी करने के बाद फातिमा बीबी की रुचि कानून में जगी, जिसके बाद उन्होंने कानून की पढ़ाई के लिए तिरुवनंतपुरम स्थित लॉ यूनिवर्सिटी में दाखिला लिया और वहां से कानून की डिग्री हासिल की। वो ठान चुकी थी कि अब इसी में अपने करियर को चमकाना है, लिहाजा उन्होंने एक वकील के तौर पर साल 1950 में अपना रजिस्ट्रेशन करवाया, जिसके बाद उन्हें 1958 में केरल अधीनस्थ न्यायिक सेवाओं में मुंसिफ के तौर पर नियुक्त किया गया। इसके बाद इनके करियर को तब एक बड़ी उछाल मिली जब इन्हें साल 1968 में सबऑर्डिनेट जज के तौर पर प्रमोट किया गया। इसके बाद जल्दी ही इन्हें 1972 में मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट बना दिया गया। फातिमा बीबी 1974 में जिला एवं सत्र न्यायाधीश बनी और 1980 में इन्हें इनकम टैक्स अपीलेट ट्रिब्यूनल में न्यायिक सदस्य के तौर पर नियुक्त किया गया। 1983 में वो केरल हाई कोर्ट की जज बनाई गईं, जबकि साल 1989 में उनका एक बड़ा सपना तब पूरा हुआ जब उन्हें साल 1989 में सुप्रीम कोर्ट की जज के तौर पर नियुक्त कर दिया गया। लेकिन उनके लिए इससे भी बढ़कर खुशी की बात तो ये थी कि वो इस प्रमोशन के साथ ही सुप्रीम कोर्ट में तैनात होने वाली देश की पहली महिला जज भी बन गई थी। इस पद पर वो साल 1992 तक बनी रहीं, जिसके बाद वो सेवानिवृत्त हो गईं। लेकिन इस महान प्रतिभा को रिटायरमेंट के बाद राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की सदस्य बनाया गया, जबकि साल 1997 में ये तमिलनाडु की गवर्नर नियुक्त की गईं। इस खबर में फिलहाल इतना ही। बाकी अपडेट्स के लिए आप बने रहिए वन इंडिया के साथ।